ये कैपेसिटर चैप्टर से है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप देखें तो यहाँ पर जो कैपेसिटर्स का कनेक्शन है 1 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड ऊपर वाली ब्रांच में और 3 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड नीचे वाली ब्रांच में, ये सीक्वेंस उल्टा हो, अगर अगर ऊपर 1 और 3 और नीचे भी 1 और 3 का ही सीक्वेंस होता तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता और तब इस 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं जाता। अभी एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और इसको सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है अदर देन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करते क्या है, अगर हमें पी और क्यू के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो सबसे पहले हम पी और क्यू के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी 10 वोल्ट की हो, 5 वोल्ट की हो, 1 वोल्ट की हो या वी वोल्ट की हो, कोई भी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करने का पर्पस सिर्फ ये है कि बैटरी चार्ज सप्लाई करे। अब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो बैटरी कुछ चार्ज सप्लाई करेगी, ये चार्ज जब इस जंक्शन में जाएगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं इस 3 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज जा रहा है वो मान लेते हैं कुछ Q1 है, इस ब्रांच में Q1 चार्ज आया। अब अगर इस प्लेट पर, फर्स्ट प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज आया तो सामने वाली प्लेट पर माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा। इस कैपेसिटर पे, इस ब्रांच पे जो चार्ज आएगा वो मान लेते हैं कुछ Q2 है। इस फर्स्ट प्लेट पे Q2 चार्ज आया तो राइट प्लेट पे माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा। अब ये जो Q1 चार्ज है ये आगे बढ़ रहा है और ये Q2 चार्ज यहां से आगे बढ़ रहा है। चलो सिमेट्री का यूज करते हैं, ये 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर और इसके ठीक सामने यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। अगर आपने इसको Q1 चार्ज दिया है तो ऑब्वियसली इस पर भी Q1 चार्ज होना चाहिए। आपने इसे Q2 चार्ज दिया है तो इसके ठीक सामने ये 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है तो इस पर भी Q2 चार्ज होना चाहिए। ये सिर्फ सिमेट्री की वजह से है। तो अगर ऐसा करें, सिमेट्री यहाँ पर यूज करें तो ये कुछ इस तरह का सीन बनता है, इस पर Q1 चार्ज और नीचे वाले कैपेसिटर पे Q2 चार्ज। अगर इस जंक्शन को ध्यान से देखें, इस ब्रांच से Q1 चार्ज आ रहा था और Q2 चार्ज आगे चला गया तो सोचो ये ऊपर की तरफ यानी पॉइंट बी की तरफ जो चार्ज बढ़ रहा होगा वो कितना होगा, वो Q1 माइनस Q2 होगा। तो इस नीचे वाली प्लेट पर प्लस Q1 माइनस Q2 और ऊपर वाली प्लेट पर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से सारे कैपेसिटर पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब हमें Q1 और Q2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यूज निकाल के बाद में उनका क्या करेंगे वो आप देखिए। Q1 और Q2 वैल्यू निकालने के लिए हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करना पड़ेगा और किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करने के लिए हमें एक क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। तो सपोज हमने ये एक क्लोज पाथ लिया। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि एक क्लोज पाथ का पूरा एक चक्कर लगाते हैं और रास्ते में आपको जितने डेल्टा वी मिलते हैं उनका सम जीरो के बराबर कर देते हैं। यहां पर हम एक साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कि अगर पोटेंशियल का डिक्रीज इनकाउंटर होगा तो हम उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे और पोटेंशियल का इंक्रीज इनकाउंटर होगा तो उसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो हम इस रेड पाथ का एक चक्कर लगाने वाले हैं। चलो किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, चलो ए से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और आप इस ए से स्टार्ट करके और इस रेड पाथ के ऊपर चलते ही रहे तो आपको 3 बार डेल्टा वी इनकाउंटर होगा। एक बार आप इस कैपेसिटर को पार करेंगे आपको डेल्टा वी मिलेगा, एक बार आप इस कैपेसिटर को पार करेंगे आपको फिर डेल्टा वी मिलेगा और फिर सीधे आपको जब बैटरी क्रॉस करेंगे तब एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं ए से, ए से बी जाते हैं तो हमें पोटेंशियल का डिक्रीज मिलेगा। डिक्रीज क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं। पोटेंशियल का ये जो डिक्रीज मिलेगा ये Q2 अपॉन 1 होगा। आप याद रखिए किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो Q/C होता है। तो इस 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को जब आप क्रॉस करेंगे तो Q2 अपॉन 1 ये पोटेंशियल का डिक्रीज मिलेगा जिसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। फिर आप इस 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो आपको Q1 अपॉन 3 ये भी पोटेंशियल का डिक्रीज है क्योंकि आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं। ध्यान रखिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप बैटरी को क्रॉस करेंगे तो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो आपको 10 वोल्ट का इंक्रीज मिलेगा, उसे मुझे माइनस 10 लिखना पड़ेगा। तो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम हम जीरो के बराबर कर देते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई। अब एक बार और KVL यूज करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। चलो ये छोटा वाला क्लोज पाथ लेते हैं। इस क्लोज पाथ में चलो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करते हैं, हम पॉइंट ए से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो हमें Q1 अपॉन 3 का डिक्रीज मिलेगा। फिर हम इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, इस कैपेसिटर की भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो पोटेंशियल का डिक्रीज मिलेगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 4। और जब हम इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे बी से ए जाएंगे तो हमें पोटेंशियल का इंक्रीज मिलेगा तो हमें माइनस Q2 अपॉन 1 लिखना पड़ेगा और ये सब मिला के जीरो के बराबर कर देते हैं।
तो ये एक इक्वेशन और यहां पर बन जाती है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, Q1 और Q2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, तो आप Q1 और Q2 में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वो रिलेशन ये आ जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 = 7Q1/15 आ जाता है। Q2 की ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो Q1 की वैल्यू आ जाती है, Q1 की वैल्यू 25/2 माइक्रोकूलम आ जाती है। आप वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेशन खुद से करिए। अब Q1 की वैल्यू यहां पर वापस प्लग करें तो आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जो Q चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया था वो तो Q1 प्लस Q2 था, टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 था। तो Q की वैल्यू अगर आप निकाले वो Q1 प्लस Q2 हो जाता है, तो वो 110/6 माइक्रोकूलम आ जाता है। यानी बैटरी ने टोटल जो चार्ज इस पूरे स्ट्रक्चर को सप्लाई किया है वो 110/6 माइक्रोकूलम। अब इस 110/6 माइक्रोकूलम का हम करेंगे क्या, तो एक नया आईडिया आप देखिए कि सपोज ये सारे कैपेसिटर जो 5 कैपेसिटर थे उनको मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और बॉक्स से बाहर ये सिर्फ टर्मिनल्स निकले हुए हैं। पी और क्यू के बीच आप याद करिए हमने एक बैटरी कनेक्ट की थी और उस बैटरी ने इस पूरे स्ट्रक्चर को 110.6 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई किया था। अब अगर हमें ये ना बताया जाए कि इस बॉक्स के अंदर 5 कैपेसिटर है कि 10 कैपेसिटर है कि 1 कैपेसिटर, हमें बता दिया जाए इस बॉक्स के अंदर बस एक कैपेसिटर है या कुछ कैपेसिटेंस बंद है, तो वो कैपेसिटेंस होनी चाहिए Q/V, जो चार्ज इस बॉक्स को मिला है डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज जो बॉक्स के अक्रॉस लगाया गया है। तो इस बॉक्स के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस है जो टोटल C है वो हो जाएगा Q/V। Q की वैल्यू 110/6 रख दे और V की वैल्यू 10 वोल्ट रख दे तो Q/V 11/6 माइक्रो फेराड आ जाता है। इसका मतलब वो जो पांचों कैपेसिटर कनेक्टेड थे उनका टोटल कैपेसिटेंस 11/6 माइक्रो फेराड आ जाता है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।